Good morning, guys. Good morning, okay, so yesterday we discussed a lot of things, right? वो कौन सी बातें थी आपको याद है क्या? कौन सी बातें थी? ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. हमने पढ़ा था अबाउट एडम स्मिथ का डेफिनेशन विच टॉक्स अबाउट वेल्थ. सो फटाफट चलो इस बारे में अपन डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपन आज एक नया डेफिनेशन शुरू करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. तो पहले अभी तक हम लोग सब जितना भी आज तक हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं. ओके, सो बताना बच्चों मुझे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन वांट्स आर, सुनाई नहीं आ रहा मुझे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मींस टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड. नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो हैज अल्टरनेटिव यूजेस. इस पूरे फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या मैं फेस करता हूं? यस. कैन इंडिविजुअल फेस? यस. क्या सोसाइटी फेस करती है? यस. क्या पूरा नेशन फेस करता है? यस. तो ये सब लोग फेस करते हैं. उसके बाद मुझे बताना ये जो स्टेटमेंट है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस. बट क्या ये इनकम्प्लीट है? यस. क्या ये करेक्ट है? यस. इनकम्प्लीट भी है? यस. उसके बाद इकोनॉमिक्स के चार डेफिनेशन. कौन से चार डेफिनेशन दोस्तों? साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेलफेयर, साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड लास्ट में कौन सा है? डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उसमें हमने पहला डेफिनेशन पढ़ना शुरू किया था, राइट? तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन कौन सा पढ़ रहे थे? साइंस ऑफ वेल्थ. ये साइंस ऑफ वेल्थ का डेफिनेशन दिया किसने था बच्चों? एडम स्मिथ. मुझे बताना, एडम स्मिथ इज नोन एज द डैश ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन द ईयर. कौन सा ईयर है? ईयर कौन सा? 1776. उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था. वो डेफिनेशन क्या लिखा था? एंड वेरी गुड, एंड इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. तो इतना सब कुछ अपने को एडम स्मिथ के डेफिनेशन के बारे में मालूम है. उसके बाद अपन ने क्या देखा कि उसके नेचर, इंक्वायरी, कॉजेस, वेल्थ, नेशन, ये एक 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 इंडिविजुअल पॉइंट्स थे ना उसके डेफिनेशन में. अपन ने उसके ऊपर चर्चा की थी, राइट? है ना? तो आज हमें उसके मेरिट्स, क्रिटिसिज्म, वो हमें पढ़ना है और उसके बाद हम लोग वेलफेयर वाले डेफिनेशन की ओर प्रस्थान करेंगे. यस, तो लेट्स गो अहेड. है ना? सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइंस ऑफ वेल्थ में यस्टरडे व्हाट ऑल वी स्टडीड. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? इन द ईयर 1776. ठीक है ना? कौन सा साल बच्चों? इन द ईयर 1776. कौन है बच्चों? एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. पब्लिश्ड, वो बुक का नाम क्या था? पब्लिश द बुक नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया एज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. बराबर के नहीं? अब हम लोग को एक एक चीज जो जो इस डेफिनेशन में लिखी गई है उसके ऊपर अपने को गहराई में चर्चा करनी है, राइट? ओके, अकॉर्डिंग टू जेबीसी, ये जेबीसी का डेफिनेशन होल्ड पे रखेंगे. पहले पूरा एडम स्मिथ का डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जेबीसी के डेफिनेशन की ओर आएंगे. ठीक है, सो मेरिट्स टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. मेरिट्स मतलब इसकी अच्छी बातें कौन सी थी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस ऑन वेल्थ. पहले अपन रीड करते हैं वेडिंग्स. एडम स्मिथ का डेफिनेशन किसके ऊपर जोर लगाता है? स्ट्रेस किसके ऊपर है? ऑन वेल्थ. बिकॉज क्या कहता है? इट इज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर द कॉजेस ऑफ वॉट? वेल्थ ऑफ नेशन. ये सब किसके बारे में बोल रहा है? ओनली एंड ओनली अबाउट वेल्थ ऑफ नेशन. सिर्फ किसके बारे में चर्चा कर रहा है? ओनली एंड ओनली अबाउट वेल्थ ऑफ नेशन. सो द स्ट्रेस, जोर कहां पे है? वेल्थ के ऊपर. नंबर वन पॉइंट. सेकेंड, ही एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देखेंगे कैसे आगे. अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज. तो ये तीन बातें एडम स्मिथ के डेफिनेशन के मेरिट्स है, मतलब अच्छी अच्छी बातें. एडम स्मिथ के डेफिनेशन की तीन अच्छी बातें कौन सी? सो एकदम मस्त स्क्रीन पे देख के आपको बोलना होगा कि कौन सी तीन अच्छी बातें मेरिट्स एडम स्मिथ के डेफिनेशन के, एडम स्मिथ के डेफिनेशन से जुड़ी हुई है. नंबर वन क्या कहेंगे दोस्तों? स्ट्रेस ऑन वेल्थ. एकदम फुल पावर के साथ नंबर वन क्या कहता है? स्ट्रेस ऑन वेल्थ. नंबर टू क्या कहता है दोस्तों?
क्या 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 सुनाई नहीं आया? एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. नंबर वन क्या कहता है? स्ट्रेस ऑन वेल्थ. नंबर टू, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड नंबर थ्री, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज. और एक बार देख देख के बोलते रहना, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ. नंबर वन, स्ट्रेस ऑन वेल्थ. नंबर टू, attention addressing the problems of economic growth. And number three, attention to important economic issues. Try karenge bina book mein dekhe bolne ka ki what are the merits to the definition given by Adam Smith. Number one, stress on wealth. Aur ek bar, stress on wealth. Number two, addressing the problems of economic growth. Once more, addressing the problems of economic growth. Number three, attention to important economic issues. एकदम आसान है. अब हमें समझना है कि ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं. स्ट्रेस ऑन वेल्थ मतलब क्या कर रहा है ये वेल्थ पे जोर डाल रहे हैं मतलब क्या कर रहा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, देखते हैं. सो यहां पे वो लिखता है क्या, इट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईच एंड एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेमली क्रिएशन ऑफ वेल्थ. किसके बारे में बात करता है? नेमली क्रिएशन ऑफ वेल्थ. बच्चों समझने की कोशिश करो, यहां अपन ने पढ़ा था, याद है आपको, कॉजेज ऑफ वेल्थ. कॉजेज मतलब कैसे बनाए उसको. कॉजेज मतलब क्या, अपन क्या कहेंगे कॉजेज, जैसा अपन बोलते ना बिकॉज, कॉज मतलब उसके वजह से, है ना, क्या क्या क्रिएट करता है. सो यहां पे वो जो कॉज है, व्हाट कॉजेज वेल्थ, है ना, वेल्थ कैसी बनती है, वेल्थ किसके वजह से आती है, इसके बारे में हमें चर्चा करना. मतलब एडम स्मिथ बोलता है कि बाबा वी आर फोकसिंग अपॉन व्हाट कॉजेज वेल्थ, दैट इज व्हाट क्रिएट्स वेल्थ, वेल्थ बनती कैसी है. एंड आपको वेल्थ तो मतलब मालूम है, वेल्थ का मतलब क्या है दोस्तों, वेल्थ इंक्लूड्स मनी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लैंड, फर्नीचर, कितने सारी चीजें हम लोग ने देखी थी कि ये सारी चीजें आती है किसमें दोस्तों, इन द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ. अब समझने की कोशिश करो, ये सब वेल्थ है. एडम स्मिथ बोलता है भाई साहब ये बनता कैसे. आज के तारीख में हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोसाइटी, हर एक नेशन आज एकमात्र प्रॉब्लम फेस करता है. वो कौन सी प्रॉब्लम है? नेमली क्रिएशन ऑफ वेल्थ. आज आप मुझे बताओ, आप सीए सीपीटी आईपीसीसी फाइनल, इन अदर वर्ड्स आप सीए कोर्स में आए क्यों, क्यों आए? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ऑब्वियसली क्रिएशन ऑफ वेल्थ. ऐसा तो नहीं था ना सर वो एक्चुअली हुआ क्या, जिंदगी बहुत आराम दे रही थी, जिंदगी के बहुत मजे ले रहे थे और फिर ऐसा हो गया कि अब हमसे वो खुशी देखी नहीं गई और इसके लिए हमने अपने आप को यहाँ सीए कोर्स में झोंक दिया. ऐसे तो कुछ है नहीं ना कि बड़े बड़े लोग पुराने जमाने के हिमालय में जाते थे, सर हम तो सीए कोर्स में आ गए, है ना, एक तरीके का सन्यासी हो गया ये तो. ऐसे कुछ नहीं है ना यहाँ पे आपका, बिल्कुल भी नहीं. सो इसके लिए हम लोग कोई भी एक्टिविटी आज जिंदगी में हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज मेनली टू डू व्हाट बच्चों, क्रिएशन ऑफ वेल्थ. बोलो किसके लिए बच्चों? क्रिएशन ऑफ वेल्थ. सो फर्स्ट मेरिट, फर्स्ट मेरिट क्या कहता है उसका? सो दैट इज देर इज अ स्ट्रेस ऑन वेल्थ. बोलो क्या है वहां पे? देर इज अ स्ट्रेस ऑन वेल्थ. परफेक्ट. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब पैसा है, पैसे के वजह से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पैसा मतलब वेल्थ, संपत्ति, राइट, के संपत्ति के वजह से क्या हम लोग, अगर अपने पास बहुत सारी संपत्ति है तो क्या हम लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं क्या, हम लोग नई नई एक्टिविटीज करके और संपत्ति बढ़ा सकते हैं क्या. मतलब वो बोलते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, है ना, मनी अट्रैक्ट्स मनी, राइट. तो क्या हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं क्या अगर पैसा हो तो? यस. सो कहता है इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रॉब्लम्स कौन सी है? द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, क्या गरीबी. पॉवर्टी मतलब क्या? गरीबी. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? बेरोजगारी. सो गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि एक्सेट्रा कैन बी सॉल्व टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इट कैन बी सॉल्व टू द ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली. जब वेल्थ क्रिएट करेंगे और अगर वो इक्वली लोगों में बांटेंगे, ठीक है ना, व्हेन वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट, तो क्या हो जाएगा? वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स टू ग्रेटर एक्सटेंट. सो एडम स्मिथ एड्रेस्ड दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. इंक्रीज मतलब अपन क्या कहेंगे यहां पे? इंक्रीज को अपन कहेंगे ही फोकस्ड अपॉन
मैक्सिमाइजेशन, अपने को सिर्फ संपत्ति मतलब क्रिएट नहीं करनी है, जो भी क्रिएट करिए उसको क्या करना है, अपने को मैक्सिमाइज भी करना है, उसको बढ़ाना भी है। समझ में आया नहीं है आपको? सो क्या कहता है यहां पे, ध्यान से सुनना। एडम स्मिथ का डेफिनेशन बोलता है इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलो और एक बार, क्या कहता है? इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो ध्यान देता है कि अपने इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो अगर पैसे होंगे तो वो प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी सॉल्व टू विच एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट। सर वहां पे आपने बॉक्स में भी डाला है, सर ग्रेटर एक्सटेंट तक क्यों, काफी हद तक क्यों, पूरे पूरे 100% तक क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्या आपको लगता है पैसों से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि अगर पैसा है तो ऑल दी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट? बोलो बच्चों, कैन ऑल दी प्रॉब्लम्स बी सॉल्व टू ग्रेट, मतलब ऑल दी प्रॉब्लम्स बी सॉल्व? नो, सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी बट एक कुछ हद तक सॉल्व होंगी, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तुम्हारे पास क्या है, तो बोलते मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है। मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, है ना? तो माँ का प्यार बच्चों पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, है ना? सो वैसी चीजें आकर कहे, ये तो एक डायलॉग था, बट क्या कहते हैं, मनी आपके सारे दुख दर्द का निवारण नहीं है। सो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एक हद तक सॉल्व हो सकता है बट पूरे पूरा सॉल्व नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया आपको? यस, सो बोलो फर्स्ट मेरिट क्या है उसका, स्ट्रेस ऑन वेल्थ। बोलो फुल पावर के साथ, स्ट्रेस ऑन वेल्थ। सो वहां पे अपन फोकस क्या करते हैं, ऑन क्रिएशन। करो सब लोग करो, वी फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जो नहीं करेगा एकदम देख लेना, कुछ तो भी होगा आज उसके साथ। बोलो इट फोकस अपॉन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब सेकंड में क्या कहते हैं, नॉट ओनली क्रिएशन बट ऑल्सो ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। बोलो नॉट ओनली ऑन क्रिएशन बट ऑल्सो ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। सो बताओ, वेल्थ कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स टू डैश एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट? कैन वेल्थ सॉल्व प्रॉब्लम्स टू द एक्सटेंट ऑफ 100%? नो, एकदम आसान है। नेक्स्ट, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज क्या है? सबसे पहले अपने को करना होगा क्या, कुछ चीजें प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करने के बाद करनी होगी डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनका एक्सचेंज, मतलब क्या वेल्थ का। वेल्थ सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे देखना, आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी करी, आप कोई बिजनेस करते हो तो आपने क्या करा, पैसा प्रोड्यूस किया, बराबर? फिर वो प्रोड्यूस करने के बाद वो आप में बटा गया लोगों में, बराबर? फिर आप क्या करते हो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, सो मनी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स टू ग्रेटर एक्सटेंट। सो आपको कुछ चाहिए, आपको मैगी खानी है तो आप उसको पैसा दोगे, आप मैगी नूडल्स ले लोगे, बराबर? आपको क्लास की फीस भरनी है तो आप पैसा दोगे, मतलब क्या करोगे, उसका एक्सचेंज होगा, बराबर के नहीं? सो देर इज प्रोडक्शन, देर इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन देर इज एक्सचेंज, लेन देन। सो ये प्रॉब्लम जो है, ये एक इकोनॉमिक इश्यू है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस अटेंशन ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज विद इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। फटाफट यहां तक वापस से बात करेंगे अपन। डेफिनेशन किसका पढ़ रहे अपन, एडम स्मिथ का। मैंने क्या कहा, अपन क्लास में एक ही बार पढ़ेंगे बट इतना भारी पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल वो दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे ये अपन ने कब पढ़ा था, कल पढ़ा था, आपको आज भी याद है, ऐसे ही। चलो तो अब बिना देखे ट्राई करेंगे, बिना देखे हाँ, आपको आपकी कसम है, लेट्स डू इट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाँ, फर्स्ट डेफिनेशन कौन सा, साइंस ऑफ वेल्थ, बराबर? मेन ऑथर कौन है यहाँ पे, एडम स्मिथ। कौन से साल में किताब लिखी थी, 1776। किताब का नाम क्या था, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी गुड। उसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन क्या किया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें मेरिट्स क्या थे, नंबर वन स्ट्रेस ऑन वेल्थ, बिना बुक में देख के बोलना, नंबर वन स्ट्रेस ऑन वेल्थ, नंबर टू एड्रेसेस टू प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बराबर? एंड नंबर थ्री अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यू। सो मुझे बताना, स्ट्रेस ऑन वेल्थ, वी फोकस अपॉन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, उसके बाद मुझे बताना एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, बराबर के नहीं? बट उसमें इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स टू ग्रेटर एक्सटेंट, एकदम आसान है। एंड थ्री क्या कहता है, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज, वो कौन से, सबसे पहले प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, एकदम आसान है। करो मेरे साथ साथ,
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. सो ये क्या है? इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यू. अब उसके डीमेरिट, अब उसके डीमेरिट. सो फर्स्ट डीमेरिट या क्रिटिसिज्म, बराबर, वो कहता है इट इज टू मटेरियलिस्टिक. यहां पे अपन देखते ना उसके डेफिनेशन में वो नेचर की भी बात करता है. नेचर मतलब अपन ने क्या कहा था, नेचर मतलब उसका फॉर्म, वेल्थ का फॉर्म, मतलब क्या है वेल्थ, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वेल्थ. सो एडम स्मिथ ने अपने किताब में फॉर्म ऑफ वेल्थ भी डिफाइन किया. जैसे अपन ने फॉर्म ऑफ वेल्थ फॉर अस, अपने लिए वेल्थ ये सब थी, है ना? हाँ या ना? हाँ. एडम स्मिथ बोलता है मेरे लिए सिर्फ वो चीजें वेल्थ है जिसे मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं और फील कर सकता हूं. मतलब द थिंग्स विच आई कैन फील, आई कैन टच एंड आई कैन सेंस, मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, फील कर सकता हूं, उन चीजों को एडम स्मिथ कहता है मेरे लिए सब वही 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 वेल्थ है. अब बच्चों आप मुझे बताओ, क्या आप आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, क्या आप इसे देख सकते हो? मेरा गुडविल, आज मैं हर्षित जाजू बहुत भारी पढ़ा था मैं, आपको आइडिया नहीं है, बहुत भारी पढ़ा था मैं. अब मुझे बताओ, मैं को देख के आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं अगर मैं चुप बैठा हूं, राइट? क्या आप देख सकते हैं? नहीं, बहुत भारी पढ़ाता है. नहीं. मेरा गुडविल, आज मैंने कितना नाम कमाया, क्या आप ये देख सकते हो क्या? नहीं. ये क्या है? इनटेंजिबल है, इसे छू नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते. या तो अपन कहते हैं अपना, क्या कहा था किसी बच्चे ने, नॉलेज. अब मैं यहां पे सिर्फ खड़ा हूं, मेरे दिमाग में कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, या आपके पास कितना नॉलेज है, ये सिर्फ आपको इसे देख के पता कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. देखिए ये वेल्थ है क्या? बट हां है. बट एडम स्मिथ कहता है फॉर द पर्पस ऑफ माय डेफिनेशन मैं इसे वेल्थ नहीं मानूंगा, मैं इसे मेरी संपत्ति नहीं मानूंगा. हां आप कहोगे पैसा, जमीन, फर्नीचर, कार, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, मेरा मुनाफा, प्रॉफिट, इन सब चीजों को, हां इन सब चीजों को मैं वेल्थ मानूंगा. बट आपने जो कहा ना नॉलेज, आपने जो कहा गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ना ना ना, मैं, मेरे लिए ये वेल्थ नहीं है. सो इसके लिए अपन ने उसके डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि इट इज टू मटेरियलिस्टिक. क्या कहता है? इट इज टू मटेरियलिस्टिक. ही इग्नोर्ड, ही ऑल टुगेदर इग्नोर्ड इमटेरियल थिंग्स, राइट? जैसे कि अपना नॉलेज है, राइट, अपना गुडविल है, पेटेंट है जो मैंने आविष्कार करा है, राइट, तो उसको वो उसने क्या कर दिया? स्ट्रेट वे उसने इग्नोर कर दिया. कहता है इस डेफिनेशन इज टू मटेरियलिस्टिक. सो क्या लिखा है? एडम स्मिथ एंड अदर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन मटेरियल वेल्थ. दे टोटली इग्नोर्ड क्रिएशन ऑफ इमटेरियल वेल्थ, है ना? दे टोटली इग्नोर्ड क्रिएशन ऑफ इमटेरियल वेल्थ लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. वो कितना नॉलेज है, वो कितने होशियार है, अरे भाई इग्नोर, स्ट्रेट वे इग्नोर, इज्जत ही नहीं अपनी कुछ, है ना? मतलब वेस्ट. सो वो कहता है ये उसका क्रिटिसिज्म है कि भाई साहब ने ये गलती कर ली. सेकेंड कहता है इट इज निग्लेक्टिंग वॉट वेलफेयर. भलाई के बारे में नहीं सोचता है वो, सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ओनली वेल्थ वेल्थ वेल्थ. द एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड टू मच ऑन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड इग्नोर सोशल वेलफेयर. मतलब वो क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को प्रोड्यूस करो, क्योंकि आप वेल्थ को प्रोड्यूस करोगे ना काफी हद तक, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रेटर एक्सटेंट, काफी हद तक, मतलब क्या कहेंगे इंग्लिश में, ग्रेटर एक्सटेंट तक आपके दुख दर्द का निवारण हो जाएगा. क्या बोलते हैं, पढ़ा था ना ऊपर अपन ने, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. वेल्थ के वजह से योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट, आपके दुख दर्द का निवारण काफी हद तक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं वो. बट मुझे बताओ, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, बट इंसान में सोशल वेलफेयर के बारे में कुछ बात नहीं करना, ये सही है क्या? नहीं. सो वो कहते हैं ही इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. एंड इसने वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इग्नोर किया, इसके वजह से अगला डेफिनेशन जो अपन पढ़ते हैं, दैट इज साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, दैट इज नथिंग बट देर इज एम्फोसिस ऑन वेलफेयर इन द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय अपना प्यारा बच्चा कौन, अल्फ्रेड मार्शल. प्यार से उसे क्या बोलते हैं अपन, ए मार्शल. समझ में आया यहां तक? सो हाउ द चेन गोज. सो लास्ट फर्स्ट जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ा वो क्या था, उसका क्रिटिसिज्म, इट इज टू मटेरियलिस्टिक एंड इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर को इग्नोर करता है, उसके वजह से अगला डेफिनेशन आया, वो कौन सा था, द स्ट्रेस ऑन वेलफेयर वाला, साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग और साइंस ऑफ वेलफेयर गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल.
कोई दिक्कत है आपको यहां पे? सो मैं समझता हूं यहां पे अपना एडम स्मिथ का डेफिनेशन पूरा पूरा हो चुका है. कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या फर्स्ट डेफिनेशन पे? यस, कुछ भी पूछो आपसे, यस कुछ भी जवाब दोगे, बोलो ना यस सर, कुछ भी पूछो कुछ भी जवाब देंगे, है ना? चलो फटाफट एकदम सही से जवाब देना, लेट्स डू इट, एकदम फटाफट. एडम स्मिथ रोट अ बुक इन द ईयर, एकदम इंस्टेंट जवाब आना चाहिए, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है, अब बस इसका रिविजन रिविजन रिविजन, है ना? पागल कर दूंगा अभी आपको. बोलो एडम स्मिथ ने बुक कौन से साल में लिखी? 1776. डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज नोन एज डैश ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ही फोकस नॉट ओनली ऑन क्रिएशन बट ऑल्सो ऑन डैश ऑफ वेल्थ. ही फोकस नॉट ओनली ऑन डैश बट ऑल्सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. क्रिएशन बराबर, द क्रिएशन ऑफ वेल्थ द प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल सोसाइटी एंड कंट्री. बराबर, उसके बाद मनी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स टू डैश एक्सटेंट, ग्रेटर एक्सटेंट, राइट? उसके बाद मुझे बताना द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज आर, नंबर वन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. वापस एक बार, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज आर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. ओके, द एडम स्मिथ्स डेफिनेशन इज टू डैश मटेरियलिस्टिक. एडम स्मिथ्स डेफिनेशन इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. बराबर, हु फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर? अल्फ्रेड मार्शल. अब बोलो आपको कितने सारे एमसीक्यूज तो आपको हो गए, एंड आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं. अब एग्जाम में ऑप्शन आया ना तो वो एक फॉर्मेलिटी होंगी, हो भाई अपने इसमें से आंसर है कि नहीं है, समझ में? तो इतने हद तक ट्रेन करूंगा कि अपने को ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है. कुछ भी कहीं से भी सवाल आ जाए, बिना ऑप्शंस के अपन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो वी विल सेव टाइम इन इकोनॉमिक्स पेपर सो दैट वी कैन गेट मोर टाइम इन द मैथ्स पेपर. समझा नहीं समझा आपको? यस. आगे, सो साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग. आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर. वो कौन सा डेफिनेशन है? साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग. सो ध्यान से देखना अब क्या लिखा हुआ है अगला डेफिनेशन. रेडी हो आप लोग? क्या बोलो ना? यस सर. जोर से एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ. अच्छा, मिलिट्री में कैसे बोलो? यस सर. ऐसे बोलो. ओके, सो साइंस ऑफ, मतलब जाग जाओगे आप. साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, है ना? वेलबींग, वेलबींग मतलब इज क्या? वेलफेयर. समझने की कोशिश करना, ये क्यों बता रहा हूं. वेलबींग मतलब वेलफेयर, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आपको सवाल आएगा. वेलफेयर रेफर्स टू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कुछ भी आ सकता है. या वेलबींग ऑल्सो इज नोन एज वेलफेयर, ये मालूम होना चाहिए. तो साइंस ऑफ वेल बींग इज नथिंग बट साइंस ऑफ वेलफेयर, भलाई, राइट? सो अल्फ्रेड मार्शल वॉज द वन, कॉन्सेंट्रेट करना एकदम अच्छे से स्क्रीन पे. ही वॉज द वन हु शिफ्टेड द एम्फसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर. बराबर के नहीं? अल्फ्रेड मार्शल वो व्यक्ति था. कौन था वो व्यक्ति? अल्फ्रेड मार्शल, जिसने अपना ध्यान वेल्थ से लेके वेलफेयर की ओर आकर्षित किया. बराबर के नहीं? सो ही शिफ्टेड द एम्फसिस, जोर, कहां से कहां पे? फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, ठीक है. सो मुझे बताना, डैश शिफ्टेड, अब एमसीक्यू आएगा, डैश शिफ्टेड द एम्फसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल. Alfred Marshall shifted the emphasis from dash to dash, wealth to welfare. Alfred Marshall shifted the emphasis from wealth to dash, welfare. Alfred Marshall shifted the emphasis from dash to welfare. समझ में आया नहीं है आपको? So कितने भी MCQs बनने दो, एक statement अपन लेंगे और उसमें जितने भी MCQs बनेंगे अपन सब cover करेंगे class में. And इसी तरीके से हजारों लाखों आपके MCQs cover हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. समझा नहीं समझा? यस. सो अल्फ्रेड मार्शल ये व्यक्ति था जो किसके बारे में बात करता था? वेलफेयर के बारे में. उसने अपना ध्यान आकर्षित किया वेलफेयर की ओर, वेल्थ से हटा के. अकॉर्डिंग टू हिम, अब उसका डेफिनेशन, अब यहां तक आपको सब कुछ आता है? एडम स्मिथ का डेफिनेशन, कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं. सो अब हम लोग अगला डेफिनेशन, कौन सा डेफिनेशन शुरू करने जा रहे हैं? द डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. अब इसको पूरा पूरा, है ना, एकदम रिसर्च करा हुआ है मैंने, पूरा पूरा इसको एकदम इन एंड आउट डेफिनेशन को पहले लिखेंगे, समझेंगे, चार्ट में डालेंगे, एज वी डिड अर्लियर एडम स्मिथ के डेफिनेशन को.
इसका भी डेफिनेशन पूरा अच्छे अच्छे से चार्ट में डाल देंगे और फिर अपन क्या करेंगे उसको इन एंड आउट समझेंगे. समझोगे तो आराम से उसके मेरिट्स और क्रिटिसिज्म आपको याद हो जाएंगे. राइट ठीक है. सो अल्फ्रेड मार्शल वॉज द वन हु शिफ्टेड द एम्फसिस फ्रॉम, बोलो तो क्या लिखेंगे, शिफ्टेड एम्फसिस फ्रॉम, बोलो एकदम अच्छे से, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, वेल्थ टू वेलफेयर. ठीक है. सो उसने डेफिनेशन दिया वेलफेयर वाला. सो एज पर हिम, एज पर अल्फ्रेड मार्शल, मैंने आपसे कहा है डे वन पे कि आपको अलग अलग कलर पेन पेंसिल्स लेके आने हैं. राइट उसके बाद पेंसिल स्केल इरेजर अपना खुद का होना चाहिए, है ना. लोगों से जबरदस्ती देना रहे ऐसे करने का नहीं, है ना. और अपनी पूरी पूरी नोट्स एकदम कलरफुल होनी चाहिए, सब कुछ एकदम कलरफुल लिखना चाहिए, जिससे क्या होगा वो पढ़ने में आपको वो इंटरेस्ट आएगा कि मेरी बुक एकदम अच्छी है कलरफुल है, तो वो आपको इंटरेस्ट आएगा. तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वो कलर पेंस पेंसिल लेके आ रहे हो. ठीक है ना. सो अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इज सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. बराबर. देयरफॉर दस इट इज ऑन वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड द मोर इंपॉर्टेंट साइड इज द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन. समझा नहीं समझा क्या? हाँ बोलते कुछ नहीं समझा, सिर्फ रीड कर रहा है अभी तक. समझा बोलते हो, समझा हमको, अब समझाऊंगा. ठीक है ना. अब समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है. एज पर अल्फ्रेड मार्शल व्हाट इज इकोनॉमिक्स. सो वो कहता है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानवता. इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जिसमें वो कहता है इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्शन. है ना, क्या लिखा हुआ है, इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इज सोशल एक्शन. इंडिविजुअल एंड हिज सोशल एक्शन विच विच इज मोस्ट क्लोजली connected and with the use of material requisites of well-being. सर ये क्या करा है तुमने? सर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है. अब अपन क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे अच्छे से कि अभी तक ये जो है पूरा डेफिनेशन यहां तक अपन अच्छे से लिखेंगे इसको पहले, और उसके बाद अपन इसको चर्चा में लेंगे. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हेडिंग देना अच्छे से वेलबींग वेलफेयर, फिर ये पूरी कहानी लिखना.
ओके डन, एक ही बार लिखना है, हुआ क्या? सो अब हम लोग समझते हैं पूरे पूरे इस डेफिनेशन को एकदम अच्छे से. सो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मतलब यहां पे अल्फ्रेड मार्शल किसी एक इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं कर रहा है. अल्फ्रेड मार्शल यहां पे पूरे पूरे मानवता की बात कर रहे हैं, एंटायर मैनकाइंड. इट इज अ स्टडी ऑफ एंटायर मैनकाइंड. अब यहां पे समझ में नहीं आ पा रहा है कि हाउ ही इज गोइंग टू एक्चुअली स्टडी द एंटायर मैनकाइंड, क्या करने वाला है वो. सो वो कहता है आई एम गोइंग टू स्टडी द एंटायर मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. उसकी आम जिंदगी, उसकी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी जिसमें थकना मना है ना, जहां उसको जिंदगी जी भर के जीनी है. रिवाइटल की ऐड नहीं कर रहा हूं, बस बोल रहा हूं कि इट इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये उसकी नॉर्मल जिंदगी है, राइट. उस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में वो उस पूरे मैनकाइंड को स्टडी करना चाहता है. सो नाउ अपने को समझना है सर, ये ऑर्डिनरी बिजनेस का एक्चुअली मतलब क्या होगा. सर अपने को एक्चुअली समझना है कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या है. व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ये ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी बिजनेस. सो द ऑर्डिनरी बिजनेस अगर अपन देखें तो इसे अपन दो हिस्सों में बांटते हैं. नंबर वन वो कहता है is to earn the money, बराबर. And number two, it is to spend the money. ये एक इंसान की ordinary business of life है, पैसा कमाओ और अपने जरूरत की चीजों पर उस पैसे को खर्चा करो. ऐसे तो नहीं होगा ना कि you just only earn the money, खर्चा करते ही नहीं हो, करते हो पप्पा से पॉकेट मनी लेते हो और सिर्फ उसको संभाल के रखते हो, या आपको जो चीजें चाहिए उसके ऊपर खर्चा भी करते हो, करते हो ना खर्चा. सो वही 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 चीज जो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि आई एम गोइंग टू स्टडी द एंटायर मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. व्हाट इज इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, टू अर्न द मनी एंड स्पेंड द मनी. ऑब्वियसली क्योंकि जब इंसान पैसा खर्चा करेगा वो क्या प्राप्त करेगा, वेलफेयर. आप ऐसी चीजों के ऊपर ही पैसा खर्चा करोगे ना जो आपको संतुष्टि देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, यस और नो. जैसे आप पैसा कहां कहां खर्चा करोगे, सर हम पैसा खर्चा करेंगे ऑन बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, उसके बाद ऑन क्लोदिंग, उसके बाद शेल्टर, राइट. उसके बाद अपन कहेंगे अपन खर्चा करेंगे ऑन एजुकेशन, करोगे क्या, करना पड़ेगा. उसके बाद से लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट चाहिए ना बाबा, है ना, बेसिक नेसेसिटी हो गई आजकल. सो यहां पे हम लोग ये पैसा क्या करेंगे दोस्तों, स्पेंड करेंगे. सो दिस अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑन ऑल दिस थिंग्स इज नथिंग बट व्हाट, द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. समझ में आया. सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ही इज गोइंग टू स्टडी द एंटायर मैनकाइंड, है ना, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस, कि ऐसा बिजनेस जहां पे वो पैसा अर्न करता है और फिर वो पैसा स्पेंड करता है. समझ में आया. अब कैसे करेगा वो, उस एग्जामिनेशन को गौर फरमाइएगा. क्या लिखता है, इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इज सोशल एक्शन. मतलब क्या, एक इंडिविजुअल को लेंगे, मैनकाइंड में से एक इंडिविजुअल को लेंगे, बराबर कहने. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा इधर आओ, तू एग्जाम, हाँ हाँ तुम आओ जरा इधर स्क्रीन पे, इधर आओ, गौर से देखना इस चेहरे को. आपका नाम क्या, सुमित. ये है सुमित, बहुत हुशार बंदा है. अब ध्यान से देखना वो कितना एकदम मस्त, एकदम कपड़े वड़े पहन के, एकदम प्रॉपर बटन, पूरे बाल वाल सेट करके आया है, एकदम अच्छे, एकदम फैशनेबल. देखो कैसे, देखो फैशनेबल, एकदम चश्मा वगैरह एकदम. बट अगर इसको पूछना, इसको पूछना, अगर ये कहीं आता जाता नहीं होता, सोसाइटी में नहीं आता, घर पे ही, जैसे संडे, कल संडे था, मस्त चिल किया है ना, संडे था तो नहाया भी नहीं है,
नहाया भी नहीं है, ऐसे एकदम ऐसे ऐसे पजामे में पड़ा हुआ है घर पे, एकदम बाल बिखरे हुए है ना। बट अब क्या हुआ देखो, उसको मालूम था कि आज क्लास आना है, तो आज नहाया है ना, आज एकदम अच्छे से बाल जेल वेल से सेट करके आए, बराबर। मतलब आप समझने की कोशिश करो, ये इंसान की मांगे कुछ नहीं होती थी यार, अपने पड़े हुए यार जिंदगी में, दो वक्त खाना दे दो खत्म। बट अब क्या करता है अल्फ्रेड मार्शल की इस इंडिविजुअल को, उसको मालूम है कि उसको सोसाइटी में आना है, बराबर, तो उसको सोसाइटी में लेके आया वो। अब वो सोसाइटी में उसको ऐसे एकदम गौर से देखेंगे कि ये क्या करेगा, सोसाइटी में आके वो क्या करने वाला है, उस एक्शन को एग्जामाइन करना, वो कहता है इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक्स। कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक आम नागरिक सोसाइटी में आके, तू भी सुन रहा है ना ये सब, हाँ नहीं तो पता चले तू बस चिल मार रहा है। सो यहां पे एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में रखते हुए वो क्या क्या डिसीजंस लेता है, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अल्फ्रेड मार्शल, राइट। अब उसमें वो क्या कहता है, उस इंडिविजुअल और उसकी सोशल एक्शन, दिख रहा है आपको यहां पे, इंडिविजुअल और उसकी सोशल एक्शन को वो क्या करेगा, इट इज कनेक्टेड विथ व्हाट, इट इज कनेक्टेड विथ व्हाट, वेलबींग। ये सब क्यों उसको अच्छा लग रहा है ना, ये सब, इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंक्रीज, उसका वेलफेयर हो रहा है कि अच्छा यू शुड बी ड्रेस प्रॉपरली, अच्छे शूज पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, लोग देखते हैं, बराबर के नहीं। सो इट इज कनेक्टेड विथ वेलबींग, एंड हाउ इट इज कनेक्टेड, नॉट ओनली कनेक्टेड बट ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू अचीव दैट वेलबींग, एंड इट इज कनेक्टेड एज वेल एज ही वॉन्ट्स टू अचीव, अटेन मतलब क्या, टू अचीव वॉट, विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स, विद द यूज ऑफ, बैठ जा, विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स। अब रिक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, रिक्विजिट्स का यहां पे मतलब होता है, रिक्विजिट्स मतलब टूल्स, साधन, क्या कहेंगे, टूल्स। सो कुछ टूल्स ही विल यूज, जैसे अपन ने यहां देखा कि फूड, क्लोदिंग, शेल्टर, एजुकेशन, इंटरनेट, दीज आर द टूल्स थ्रू विच ही इज ट्राइंग टू अचीव द ऑप्टिमम वेलबींग, ही वॉन्ट्स टू अटेन, ही वॉन्ट्स टू अचीव वॉट, वेलबींग, समझ में आया। सो इंसान के उस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में वो क्या क्या डिसीजंस लेता है, विच इज कनेक्टेड एंड विद द अटेनमेंट ऑफ, विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर अल्फ्रेड मार्शल। कि वो इंडिविजुअल, अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना, अब इसने वेलफेयर क्या है, ही इज यूजिंग मटेरियल रिक्विजिट्स, अब वो कुछ साधन यूज करेगा और वो क्या करेगा, उनको खर्च करेगा और इन चीजों पे खर्च करेगा, इन चीजों पे खर्च करेगा, तो क्या उसका दोस्तों वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, क्या उस व्यक्ति का वेलफेयर होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली सर होगा, वेलफेयर होगा। सो यहां पे ध्यान से देखना, सुनना, समझना, उसने कहा था इट इज ऑन वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड द मोर इंपॉर्टेंट साइड द स्टडी ऑफ मैन, बराबर के नहीं। So, यहां पे आप देखो, ये जो अल्फ्रेड मार्शल जिसने क्रिटिसाइज किया था ना, ही इग्नोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, बराबर, वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के इसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया है। समझा या नहीं समझा आपको, नहीं समझा, देखो एक सिंपल चीज पूछता हूं आपसे एकदम अच्छे से, इंसान के लिए पैसा है या पैसे के लिए इंसान है, एकदम सच्चे सच्चे बताना, इंसान के लिए पैसा है या पैसे के लिए इंसान है, चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बोलो, आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो, सर हम तो भैया खाने के लिए जीते हैं, बट वास्तविक में क्या है, जीने के लिए खाते हैं। सेम वे में इंसान के लिए पैसा है या पैसे के लिए इंसान है, सर इंसान के लिए पैसा है, पैसे के लिए इंसान नहीं है, बराबर। सो इंसान के लिए पैसा है तो प्रायोरिटी मिलती है इंसान को, बट इंसान को जानना, समझना, परखने के लिए अपने को पैसा जरूरी है, क्योंकि उसके डिसीजंस डिपेंड करते हैं ऑन मनी। सो फर्स्ट ही फोकसेस अपॉन इंसान, बराबर, एंड देन ऑन पैसा। सो यहां पे वो बोलता है ना, शिफ्टेड द एम्फसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, बराबर। सो अगर अपन देखें एडम स्मिथ की किताब में, अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती थी किसको, वेल्थ को,
वेलफेयर नहीं के बराबर था या सेकेंडरी था, वो याद ना अपने पढ़ा था, देन वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली, याद है क्या उसके डिफिनेशन में? अपन ने सर कुछ याद तो है नहीं सर, बट ठीक है आप बोल रहे हो उसके लिए होंगे ऐसे दिख रहे हैं यहां, देन दी वेल्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली, सो काइंड ऑफ वेलफेयर का वो सेकेंडरी पार्ट बात करता है, बट क्रिएशन ऑफ वेल्थ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। सो ये चर्चा थी एडम स्मिथ के डेफिनेशन में, बट अब जब यहां पे अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन आया, राइट, सो अल्फ्रेड मार्शल शिफ्टेड द एम्फेसिस, सो एम्फेसिस फर्स्ट वॉज शिफ्टेड टू वेलफेयर एंड देन इट वॉज वॉट वेल्थ। तो लॉजिकली समझ में आया आपको हाउ द एम्फेसिस वॉज शिफ्टेड, पहले एडम स्मिथ बोलता था वेल्थ, फिर बाद में बोलता था वेलफेयर, अल्फ्रेड मार्शल ने शिफ्ट किया, पहले बोलता है वेलफेयर और उसके बाद बोलता है वेल्थ, मतलब वो कहता है वेल्थ को पढ़ना समझना जरूरी है ही, क्योंकि आप ये वेलफेयर देखो ये इनडायरेक्टली वेल्थ की बात कर रहे हैं, आप ये वेलफेयर अचीव कैसे करोगे, ये फूड क्लोथिंग वगैरह कैसा कैसा खरीदोगे, पैसा लगेगा ना उसके लिए, वेल्थ लगेगा ना, संपत्ति चाहिएगी ना उसके लिए, आया ना? सो वो डायरेक्टली वेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो कहता है भलाई वेलबींग वेलफेयर के लिए आपको वेल्थ की जरूरत है, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ वेल्थ नहीं वेलफेयर, बट वेलफेयर को अचीव करने के लिए वेल्थ, दैट इज इकोनॉमिक्स, ऐसा उसका कहना है। समझ में आया नहीं आपको? सो एकदम अच्छे से स्क्रीन पे देख के उसका डेफिनेशन बोलोगे आप, बोलो क्या लिखा हुआ है। अल्फ्रेड मार्शल वॉज द वन हु शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर, उसके बाद वो क्या डिफाइन करता है, एकदम अच्छे स्क्रीन पे फोकस करना। इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बोलो और एक बार, इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आगे इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इज सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड एंड विद द अटेनमेंट विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। ठीक है ना, समझ में आया? हल्का हल्का समझ में आया या एकदम पूरा समझ में आया? पूरा समझ में आया ना। सो फर्स्ट ही फोकस अपॉन वेलफेयर एंड देन ऑन वेल्थ, एडम स्मिथ फर्स्ट फोकस अपॉन वेल्थ एंड देन ऑन वेलफेयर। समझ में आया आपको? यस। अब इसके मेरिट्स और क्रिटिसिजम्स की ओर चर्चा करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना सुनना समझना क्या लिखता है। एसी पिगू का भी डेफिनेशन आराम से, पहले जो जो मेन मेन ऑथर्स है उनके डेफिनेशन, ठीक है। सो मेरिट्स क्या है देखना, एकदम मस्त मजा आएगा। इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड इट इज अ स्टडी ऑफ मैन, हो गया। मैंने कहा था ना डेफिनेशन जितना अच्छे से समझोगे ना उसके क्रिटिसिज्म मेरिट्स वगैरह सब इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेरिट्स, फर्स्ट स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सो द एंटायर मैनकाइंड वॉज इज प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वो क्या कहता है उसमें, इट इज फॉर द मैन सेक, इंसान के लिए, फॉर द मैन सेक एंड फॉर द सेक ऑफ मैन्स वेलफेयर वेल्थ इज स्टडीड। वो वेल्थ स्टडी कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे अपन कि एडम अल्फ्रेड मार्शल बिल्कुल भी वेल्थ के बारे में बात नहीं करता, बट वो कहता है पहले अपने को इंसान को समझना है और इंसान के भले के लिए, इंसान के अच्छाई के लिए अपने को पढ़ना है क्या, वेलफेयर। इट इज फॉर द सेक ऑफ मैन्स वेलफेयर एंड फॉर द सेक ऑफ मैन्स वेलफेयर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, बोलो, वी आर गोइंग टू स्टडी वेल्थ। समझा? तो जैसे अपन बोलते ना इंसान के लिए पैसा है या पैसे के लिए इंसान है, बोलो, इंसान के लिए पैसा है या पैसे के लिए इंसान है? सर पैसे के लिए इंसान है, नहीं 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 सर, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इंसान के लिए पैसा है। सो देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू स्टडी इंसान एंड इंसान के लिए अपने को पहले उसके लिए पढ़ना है पैसा। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी मैन एंड फॉर द सेक ऑफ मैन्स वेलफेयर वी हैव टू स्टडी वेल्थ। समझा नहीं समझा आपको? आगे स्टडीज इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी, थकना मना है बराबर की नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ उसमें क्या है, इट इज द एक्टिविटी विच ऑक्यूपाइज, क्या लिखता है, कंसिडरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट
और वो ह्यूमन एफर्ट क्या है, इज द फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, पैसा कमाओ, पैसा खर्चा करो और जिंदगी के मजे करो, बराबर, एंड दैट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ व्हाट, वेलफेयर, वेलबींग, बराबर। सो कंसिडरेबल पार्ट इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक नीड्स, इज द इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफ एवरी मैन्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मैन गेट्स प्रिसीडेंस ओवर वेल्थ, प्रिसीडेंस मतलब क्या, प्रायोरिटी, इंसान को प्रायोरिटी दी है। इट इज अ स्टडी ऑफ मैन एंड नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ। इफ यू रिमेंबर द मेरिट ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, इट वॉज अ स्ट्रेस ऑन वेल्थ, बट डियर इट इज अ स्ट्रेस ऑन मैन। समझा नहीं समझा? यस। सो ऑब्वियसली मटेरियल थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, और उसके क्रिटिसिज्म, सो निग्लेक्ट ऑफ, वापस से सेम टू सेम, निग्लेक्ट ऑफ इमटेरियल थिंग्स। सर इमटेरियल थिंग्स, अरे लिखा था डेफिनेशन में, इफ यू रिमेंबर, विद द यूज ऑफ डैश रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। सो यहां पे भी वो इमटेरियल चीजों को क्या करता है दोस्तों, इग्नोर करता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेरी वेग, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेरी वेग। मतलब क्या है वेग, मतलब इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, बराबर कि नहीं। ओ छोरा देखो उसको, गौर से देखो उस चेहरे को, रोज दवाई लेता है। सारे एग्जाम्पल्स इस क्लास में काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध आया तो ये सिर्फ एक योगा योग होगा भाई, मुझे मालूम नहीं है। अब तो दवाई लेता नहीं लेता, अब नहीं लेता ना तू, अच्छा बच्चा है तू। अब वो दवाई रे, हाँ अब हम ऐसे गंदी बातें नहीं करेंगे तो अपन दवाई बोलेंगे, ठीक है। सो अब वो दवाई लेता है, और अच्छी बात है क्या दवाई लेना, इससे वेलफेयर होगा क्या? नहीं। बट वो बोलते सर मेरा हो रहा ना, समझ में आया, समझ में आया। तो वो चीज किसी के लिए अच्छी है और वही चीज किसी के लिए बुरी है। अब देखते हो रास्ते में बहुत सारे लोग स्मोकर्स होते हैं, है ना, जिंदगी धुएं में उड़ा रहे, उनको मजा आ रहा है, बट अपन वहां से पास भी होते अपने को बदबू भी आती है, अपने को घिन आती है, भाई क्या है ये। सो उसके लिए वो वेलफेयर है, उसको वो मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट अपने लिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। टेररिस्ट, उनको कितना मतलब, बोलते हैं जिहाद, अरे वाह, लोगों को भी पहुंचा रहे, वो खुद भी जा रहे हैं लोगों को भी पहुंचा रहे, बोलते हैं हम लोग कितना भला कर रहे हैं। तुमको लग रहा है क्या भला कर रहे हो, मार रहे तुमको डायरेक्ट ऊपर पहुंचा रहे, है ना, नहीं। सो रॉबिन्स कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेरी वेग, बराबर के नहीं। सो रॉबिन्स क्रिटिसाइज्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज वेरी वेग, एंड देन टुमारो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स, राइट। सो दो डेफिनेशन एकदम क्लियर है आपको, यस, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।